To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salim साहब कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी तबीयत है आपकी जनाब? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाओ. बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पर आए और मुझे दावत माशाल्लाह और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी और खुशी हुई है कि आप भी काफ़ी इल्म रखते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे जी, में जी, और जी. इस्लाम के बारे में भी. बट अभी हम ठीक है, जैसे ये कि इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए कि आप क्या करते ताकि थोड़ा सा पता चल जाए एक दूसरे के बारे में. जी जी प्यारे भाई, मैं असल में मैं एक मतलब नहीं यहाँ पर बिजनेसमैन हूँ मैं, मतलब नहीं, लेकिन कुरान और हदीस तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और मेरे पास बुक्स हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब नहीं बुक्स, मतलब अच्छा. नहीं, तो मेरे तो जिंदगी बीत गई है, मतलब नहीं इस्लामिक बुक्स, लेकिन मतलब नहीं कुरान और हदीस खाना काबा से, मतलब नहीं बुक्स ला कर, नहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्न माजा सुनन अबी दाऊद सुनन से और भी कई दीगर बुक्स हैं, मतलब नहीं सही. तो स्टडी की भी, मतलब नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी बाइबल की भी स्टडी करता मतलब नहीं कर रहा हूँ मैं अभी. अच्छा. तो कितने साल की आपकी स्टडी है इस्लाम की? कितने साल किया सरकार, वो तो बचपन से लेके अभी तक ही हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं हम लोग. अच्छा. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इल्म जो जी है वो जी कभी भी एक एक लिमिट लिमिटेशंस नहीं है इल्म की. वो बिल्कुल हमेशा बढ़ता रहता है एक समंदर की तरह. बिल्कुल सही बात, तो सही बात. आपने कमेंट किया कि मैं यू नो कि मजाक उड़ा रहा हूँ मतलब का. मेरी पिछली वीडियो में जैसे आपने बोला कि मैं वो थूक फेंक रहा हूँ वो उस वीडियो पे, तो वो बेसिकली ये है कि मेरा वो मकसद नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं, बट एक ऐसी कॉमिक बनाता हूं मैं कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से फिक्शंस और फैब्रिकेशंस हैं इस्लाम के अंदर. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट यू नो मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई दिलादारी हो आपकी, बट ये यू नो लेकिन सही वो हदीस आप मुझे अगर बताएं वो गलत है या मैंने कोई ऐसी झूठ बात बोली उसके अंदर, तो फिर मैं भी आपसे माजरत करूँगा. आप बोलें. सही नहीं, वो असल में प्यारे भाई मसला ये है ना, देखो यहाँ पर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, ये बुखारी मुस्लिम तिरमिजी के अंदर ये बिल्कुल हदीस साबित है. ये यानी रात को इंसान जब सो रहा है और अचानक घबरा के उठ जाए वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने यानी बाएं तरफ यानी तीन बार थूके, लेकिन उस थूक का जो है वो सहाबा की यानी जो तफसीर बताई है कि उस थूक के बारे में ये नहीं है कि जोर से बलगम वाला थूक फेंको, यानी बिल्कुल आराम से, यानी बस थू, 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 बस ऐसे, मतलब नहीं जिस तरह एक फूक निकाल रहा है इंसान, यानी यानी उस यानी तो मतलब जो बराबर में अगर कोई सो रहा हो लेफ्ट हैंड पर उस पर तो छींटे आएंगी अगर हल्का सा भी थूक फेंकोगे. तो वो चीज़ मुझे थोड़ा अजीब सी लगी. मैंने कहा यार ये बराबर वाला जो भी होगा, हालांकि ये तो नहीं ये बोलना चाहिए कि कोई किसी जगह देख कर यू नो लेफ्ट या राइट कोई भी हो थूक फेंकने से वो चले जाए. तो हाँ नहीं नहीं वो असल में उसका जो हदीस का जो हवाला ना वो एक फूक मारना, मतलब है नहीं यानी जिस तरह मतलब नहीं एक तो बलगम वाला थूक इंसान थूकता है और एक मतलब नहीं ऐसे हल्का सा जिस तरह थूक जिस तरह हवा यानी एक मतलब नहीं एक फूक मार रहा है हल्की सी, वो तीन मरतबा करना है, नहीं वो ये इसमें हदीस में आया हुआ. तो आपने मतलब कभी ये किया है खुद पर्सनल अपनी लाइफ में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने थूक फेंका और तीन दफा उल्टे हाथ पर? हाँ लेकिन मेरे भाई मैंने किया क्यों नहीं, जब भी घबराहट मुझे हुई है ये बस बिल्कुल यानी एक हल्की सी फूक निकालनी है, तीन मरतबा फूक निकालनी है बस, यानी इस तरह यानी ताकि आवाज भी ना आए उसकी. चले खैर, मगर ये बात मुझे थोड़ी यू नो समझ नहीं आई कि इस तरह से कैसे शैतान आपके उसमें निकल जाएगा. मैं बस इन बातों को लेकर मैं ज़रा कॉमिक करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये भी देखें शैतान जो है वो
इस्लाम में लिखा है इस्लाम जो है वो शैतान पॉटी करता है और जो है वो गैस मारता है, पाद मारता है, यू नो अजीब बातें, तो वो सब लेकर मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये कैसे हो सकता है। आपका क्या ख्याल है, ये बात सच है कि शैतान जो है वो पॉटी करता है और पाद मारता है, ये आपका क्या ख्याल है, ये बात सही हो सकती है? मेरा भाई, पहली बात तो ये है कि देखो, ये भाई ये पोटी के बारे में जो है, ये मेरे ख्याल से ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। लेकिन इतना है कि मतलब यानी जब शैतान को, यानी हदीस के अंदर ये साबित है, जब शैतान को मतलब नहीं, जब ये अजान की आवाज आती है ना, तो वो अपने अंदर से हवा इतनी जोर से निकालता है और अपनी आर चुपेरी गोल घूमता है वो, कि किसी तरीके से अजान की आवाज ना आए। लेकिन उसको यानी वो यानी तड़पता है इस चीज से, तो वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर खंडर हो, वहां पर अजान की आवाज ना कि उसको ना आए, तो वो दूर भाग जाता है। तो ये हदीस के अंदर यानी ये चीज साबित है, मतलब यानी आप इस पे बिलीव करते हैं कि जब भी अजान होती है शैतान गैस बनाता है, और इतनी सारी गैस उसके अंदर कैसे आती है जब वो अजान होती है? मुझे ये समझ नहीं आती, क्या वो मूली के पराठे खाता है क्या खाता है, गोभी के पराठे खाता है जो शैतान? आप खुद हंस रहे हैं, इस्लाम की बात है, आपने खुद बोला अभी। और अब सबसे हर दफ़ा इतनी मेरे भाई आप ये सोचो कि दुनिया में हर टाइम अजान हो रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है ये बात मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, आप इस बात को मानते कि नहीं? अब ठीक है, इतनी बिल्कुल बिल्कुल सही गैस बात है। एक शैतान के अंदर, इतनी गैस कैसे आ सकती है? आप सोचेंगे वो हर वक्त क्या खाता होगा ऐसा? और जब गैस होती है एक कॉमिक, क्योंकि ये मेडिकली प्रूफ बात होती है, गैस होती है तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल वो जो एयर होती है, जो विंड होती है वो निकलती है। तो साथ साथ मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मुझे पता है, जब गैस होती है या विंड ब्रेक होती है, तो विंड ब्रेक के लिए यू नीड टू हैव सम डाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम है, मतलब शैतान का डाइजेशन सिस्टम है, इसका मतलब उसको फिर पॉटी भी आती होगी, सोचने वाली बात है, वो कुछ खाता भी होगा। तो जब गैस तो तभी आ रही ना, ये एक 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 सवाल इंसान के दिल में पैदा होता है, अगर आप ये आप बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम के गैस मारता है, तो वो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात में कहाँ तक ये कॉमन सेंस नहीं बनती है। अब मैं आपकी, अगेन आई डोंट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आप जो हैं वो अपने अपनी तरफ से आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, और मैं भी आपको समझता हूँ कि आप अभी से बातचीत जब होगी आपसे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि यू नो इल्म कैसे है और किस तरह से एक दूसरे से सीख सकते हैं हम। तो ये बात मुझे जो है ना बेसिकली समझ नहीं आती कि शैतान इतनी गैस कैसे बना सकता है। प्यारे भाई, पहली बात तो ये है ना कि अभी देखो कोई ऐसी चीजें हैं, मतलब नहीं, अभी देखो हवा ही है, हवा जी, जो बस बंदा बोल रहा है हवा आ रही है, हवा आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, महसूस तो होती है ना, पता चलता है हवा आ रही है। ये इसका इल्म ज्यादा से ज्यादा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में उतना ही बताया है जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इल्म दिया है, ठीक है ना। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि मतलब यानी सोचा जाए तो आपने जैसा कहा है कि पूरी दुनिया में अजानें हो रही हैं और यानी शैतान कितना कितने एक हवा निकालेगा, मतलब नहीं। वो प्यारे भाई, मिसाल के तौर पे अभी जारी बात है, जिस तरह इंसान अभी आप मिसाल के तौर, अब बांग्लादेश में बैठे हुए हैं जी, जी मिसाल के तौर पे अभी आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, मैं बोलूंगा नहीं भाई, मेरा भाई ये जो मेरे साथ बात कर रही है बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी बैठा हुआ है, लंदन में भी बैठा हुआ है, तो ये तो ना हुआ। यानी यानी शैतान हर इलाके नहीं में नहीं मौजूद है। लोकेशन लोकेशन से मुझे कोई वो नहीं है, मुझे गैस से घर जाए, वो इतनी गैस कैसे पैदा कर रहा है, वो क्या खा रहा है ऐसा, उसको क्या किसी आप ने मेरी जमाल बात गोटा खिलाया क्या ऐसी बात मैं ये समझने की नहीं, कोशिश कर आप रहा हूँ। मेरी बात समझे नहीं, आप देखिए देखिए आप मेरी बात समझे नहीं है। अब शैतान मिसाल के तौर पे मेरे इलाके में बैठा हुआ है, अभी अमेरिका के अंदर अजान हो रही है, वो तो उसको सुनाई नहीं दे रही है ना, लेकिन जब इधर अजान होगी तो तब भी वो भागेगा, वो कोशिश करेगा, लेकिन वो शैतान है, शैतान एक अलग है, जिन अलग है, इंसान अलग है, जानवर अलग है, हर चीज अलग है। लेकिन दूसरी बात ये कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दलील मैं आपको मैं दे दूं, एक हदीस है, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये जमीन है, जमीन के नीचे क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी, फरमाया पूछा उसके नीचे क्या है, भाई जमीन है, उसके नीचे क्या है, पानी जमीन, पानी जमीन, यानी सात जमीन है और सात सात समंदर है नीचे, मतलब नहीं यानी नीचे समंदर है। तो जब छह जमीन, सात जमीनें और सात समंदर, जब मतलब नहीं ऊपर नीचे है, तो जब ये सात और सात हुए तो सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह उसके नीचे क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रो पड़े, फरमाया यहाँ पर इल्म की, मेरे इल्म की इंतहा है और मेरे रब की इल्म की शुरुआत है। तो मतलब यानी जो आगे जो शैतान का हुलिया क्या है,
वो क्या खाता है क्या पीता है अभी इसके बारे में हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हदीस के मुताबिक इतना है कि जो यानी हदीस में इतना है कि जो जिन है वो मतलब यानी ये जो घोड़े की लीद जो होती है वो खाता है, और हड्डियां हड्डियां जो हैं ये जिन का खाना है ये मतलब। अच्छा, शैतान का खाना है हड्डियां और तो घोड़े हदीस की के अंदर है कि घोड़े की लीद वो लीद, मतलब ये कि मतलब ये किसकी, उसका उसका घोड़े का वेस्ट जो मटेरियल। मतलब नहीं जो यानी एक हाँ जो यानी एक तो पेशाब निकलता है ना, और वो दूसरी उसकी लीद निकलती है मतलब नहीं उसको लीद बोलते हैं यानी उर्दू में, वेस्ट तो वो मटेरियल उनका जिसको खाना है। कहते हैं। हाँ हाँ जो मतलब अच्छा नहीं बड़ा पेशाब जिसको अच्छा बोलते हैं अच्छा अच्छा मतलब नहीं जो पॉटी घाव पॉटी खाते निकल रही, खाते, सही। हाँ वो, और हड्डियां उसका मतलब नहीं वो है। लेकिन हदीस के अंदर ये चीज आई है कि वो कोशिश करता है कि आवाज यानी सिर्फ उसके पादने की आयत है लेकिन फिर भी अजान बंद नहीं होती है, वो उस इलाके को छोड़ के उस इलाके की तरफ चला जाता है जहां पर जाता है। सिर्फ ये हदीस मतलब नहीं इसके अंदर ये साबित है इस हदीस के अंदर, बाकी वो दूसरा यानी पोटी करता है और खाता पीता अल्लाह, इसका इल्म मेरे रब के पास है, ये हदीस के अंदर कहीं भी नहीं है मतलब नहीं। मगर चले, आपने ये तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि शैतान पाद मारता है ज़रूर। जी जी हाँ, क्योंकि हदीस में साबित है ना अभी सही मतलब सही। नहीं। अच्छा, ये तो चले कि एक शैतान है और गलतियाँ करता है, तो मैं समझता हूँ हर इंसान एक गलती का पुतला है। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि सारा पूरे इंसान एक गलती का पुतला है? इंसान खताकार है बिल्कुल, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो रब की जात है जिसको हम अरबी में रब बोलते हैं, उर्दू में खुदा बोलते हैं, फारसी में खुदा बोलते हैं, हिंदी में भगवान बोलते हैं, और इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, वो एक ही खुदा है मतलब यानी ठीक है ना, मतलब वो माफ करने वाला कुल बनी आदम खताए, जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि पूरे बिल्कुल बिल्कुल बनी हाँ आदम पूरी खताए। तो ये मैं समझता हूँ कि हर इंसान, नबी नबियों ने भी गलतियाँ की हैं, नबियों ने भी गुनाह किए हैं। आप इस बारे में क्या बोलेंगे, ये बात सही है कि नहीं? नहीं मेरा भाई देखो, गुनाह और गलतियों में ये कितनी बार मेरे साथ यानी ईसाई बिरादरी के लोगों ने मतलब यानी मेरे साथ कांटेक्ट करके और ये भी सवाल किया है। देखो गुनाह में और गलती में जमीन आसमान पर ठीक है ना, गलतियां हुई हैं अंबिया से लेकिन गुनाह जो है वो गुनाह नहीं किया उन्होंने मतलब नहीं। गुनाह तो ये होता है ना, अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अभी मिसाल के तौर पर मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ है जनाब, अचानक उसके अंदर से फाइलें गलती से मिट जाएं, ये गलती हुई गुनाह तो नहीं है ना, लेकिन गुनाह तो वो है जो अल्लाह माफ करे यानी शराब पीना, जना करना और बदकारी और यानी ये मतलब अल्लाह का इन कामों से बचाए, गुनाह तो वो होता है, लेकिन गुनाह नहीं किया अंबिया ने, गलतियां हुई हैं उनसे मतलब नहीं यानी अच्छा, तो मैं समझता हूँ फॉर जब एग्जाम्पल। जब जब ये आयत आती है कि कुल बनी आदम खताई कुरान के अंदर, तो इसका मतलब है कि बनी आदम का हर एक शख्स जो पैदा हुआ है वो गुनाहगार है, चाहे वो नबी हो या नहीं। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, आप क्यों नहीं इस बात पे एग्री करते? नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों खता 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 और यानी खता का ट्रांसलेशन क्या है सर, ये नहीं, आप देखें ना, खता का ये नहीं है कि खता गुनाहगार है गुनाह मतलब का नहीं। क्या, गुनाह की क्या डेफिनेशन है आपके सामने? सरकार मैं आपको एक चीज बताता हूँ मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये नमाजों के बारे में जानते हैं ना, जोहर की नमाज है, जी असर जी की, फजर बिल्कुल की, बिल्कुल, 5 वक्त की नमाजों का सबका पता है जी सर। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक दफा असर की नमाज पढ़ा रहे थे ठीक है ना, तो असर की नमाज जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने 4 फर्ज की जगह दो दो फर्ज मतलब नहीं पढ़ा दिए हैं जमात के साथ मतलब नहीं, वो इमाम बने हुए थे यानी, तो उसके हवाले से मतलब नहीं जब दो पढ़ाए तो नमाज के बाद खड़े होकर मिंबर के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए, तो यानी सहाबा ने पूछा या रसूल्ला आज नमाज में कोई कमी हो गई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तो फरमाया आपने दो नमाजें पढ़ी हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगता है मैंने 4 नमाजें पढ़ी हैं, तो साहबा ने फरमाया नहीं आपने 2 पढ़ी हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 2 आगे पढ़कर और कंटिन्यू करके 4 पूरी कर दी हैं। तो यार ये गलतियां हुई, लेकिन गुनाह जो है गुनाह वो चीज होती है कि एक चीज हराम है उस हराम को हम लोग करते जा रहे हैं मतलब ही नहीं, तो वो मतलब मिसाल के तौर पे शराब हराम है, बदकारी हराम है, कत्लो गारत है, लेकिन ये सारा गुनाह के अंदर शामिल है, गलती अलग होती है गुनाह अलग होता है मतलब नहीं, ये चीज़ मतलब नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई नबी जो है वो गुनाहगार नहीं है, वो खताकार होते हैं।
हेलो जी, आवाज आ पता रही है? हाँ गलतियां कर सकते हैं लेकिन गुनाहगार नहीं है प्यारे भाई, गुनाहगार नहीं है ये। जी, जी, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि गुनाहगार नहीं है। अच्छा, मेरे साथ एक आयत देखेंगे कुरान के अंदर, चैप्टर 48 ठीक वर्स नंबर 2, पता ही होगा आपको। है। एक मिनट जरा, चैप्टर नंबर, चैप्टर 48, चैप्टर, एक मिनट, चैप्टर, आपके पास ये इंटरनेट चैप्टर, एक्सेस है अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, आप चैप्टर 48 वर्स नंबर 2। वर्स नंबर 2 ठीक है। यहाँ पर इस आयत के अंदर ये आया, लियग़फिर लक अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्खर व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदीका सिरातन मुस्तक़ीमा, ठीक है। ठीक है, हाँ, इस आयत का ये ट्रांसलेशन निकलती क्या है सब, मतलब है इसका ये ऐसा उर्दू, के लिखा हुआ, क्या एक्सप्लेन करें प्लीज? ठीक है। एक मिनट, उर्दू में भी खोल लेते हैं। और दोस्त, आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं करूंगा। सर, कसम से भाईजान, आप यानी माशाल्लाह अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर यानी यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ताकि जो कुछ तेरे गुना आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, और तुझ जी पर ईमान, और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधे राह चलाए, जी ये ये क्या शायद लिखा कही है। भाई, कि किसकी बात हो रही है बताएं मुझे। ठीक है, ये अल्लाह यहाँ ताला पर प्यारे से पैगंबर इस्लाम अपने गुनाह की, पिछले और अगले जो आने वाले हैं वो गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं। जो गुनाह आने वाले हैं जिनका कुछ अभी तक हिसाब किताब ही नहीं है, जो कि मतलब खुला लाइसेंस है बिल्कुल, गुनाह करने के लिए, तो ये आप मुझे नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं ठीक, करेंगे क्या है ये आयत और किस तरह से लिखी हुई है? आपको बताता हूं मैं। यहां पर प्यारे भाई, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इसका मैं आपको मैं बताता हूं आपको मैं। भी इससे मुराद तर्क उला वाले मामलात या वो उमूर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फहम व इज्तिहाद से किए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नापसंद फरमाया, जैसे अब्दुल्ला बिन मकतूम रजी अल्लाह अन्हु वगैरह का वाकया है जिस पर सूरह अबसा का नुज़ूल हुआ। ये मामलात व उमूर अगरचे गुनाह और मुनाफी असमत नहीं, यानी इसका ये ट्रांसलेशन निकलती है प्यारे भाई कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहा है कि लियग़फिर अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर, कि ए मेरे नबी, चाहे आपसे यहाँ पहले गुनाह हो या बाद में गुनाह हो, आपको माफ है वो चीज, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को गुनाह से बचा के रखा था, ठीक है, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है। वसल्लम में अब कोई मैं गुनाह नहीं। आपने आपने भी ये बोला कि जी, पैगंबर इस्लाम के गुनाह माफ़ करवाए जो थे पहले और अभी जो आएंगे वो गुनाह, तो यहाँ पर आपने गुनाह वर्ड बोला, और पहले जब आपने बोला आपने ख़ता का लफ्ज़ यूज़ किया, जबकि आप ही का कुरान बोल रहा है कि ये एक गुनाह है जो पैगंबर इस्लाम ने किया, और तो इस बात से पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम ने भी गुनाह किए हैं। अच्छा प्यारे भाई, मेरे कहने का मकसद क्या था ये पहले बताएं। मेरे कहने का ये मकसद था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह नहीं किया बल्कि उनसे गलती हुई है, तो जिस तरह फिर यहाँ नमाज की गुनाह मैंने का लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ आपको भाई? दिखा। ये आप ये देखें, गुनाह का लफ्ज़ अगर आप जो है ना इसकी अरबी ट्रांसलेशन भी देखें, तो ये अगर मैं गूगल पे भी ये अरबी लफ्ज़ लिखूंगा गुनाह का, तो ये गुनाह ही आएगा, ठीक सिन आएगा। है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो प्यारे भाई मेरी गुनाह और बात सुन। खता में, गुनाह और खता में ये है कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि खुदा ताला की मर्ज़ी के बगैर है या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, उसको गुनाह कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मेरे क्या मकसद आप समझें, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई है, ठीक है। गलती हुई यहाँ है, पर गुनाह किए अल्लाह हैं उन्होंने, रब्बुल इज्जत ने गुनाह किए हैं उन्होंने। गुनाह नहीं किए प्यारे भाई, गुनाह नहीं किए, अभी आपने बोला ठीक उनसे है। गलती हुई है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि ए मेरे नबी, आपके मतलब नहीं, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ फरमाए, ठीक है ना। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि आपसे पहले अगर कोई गुनाह है या बाद में कोई गुनाह हो जाए, आपको माफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह से बचा के रखा था और गुनाह से पाक किया हुआ था, ये मेरे कहने का ये मकसद है मेरा भाई। बिल्कुल, ये आसान सी ट्रांसलेशन है, उर्दू में साफ लिखा हुआ है कि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे। ठीक है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगले और पिछले गुनाह थे तो बख्शे जाएंगे ना।
आप ये इस बात को एग्री क्यों नहीं कर रहे? तो मतलब आप इसको खता बोले, गुनाह को आप ऐसी चीज़ बोलें कि गुनाह नहीं करवाए, मगर गुनाह तो थे जो कि बख्श गए, इस चीज़ को मैं मानता हूँ बख्श गए, बट आपको इस चीज़ को एग्री करना पड़ेगा कि गुनाह तो थे। अच्छा प्यारे भाई, आपकी मिसाल के तौर पे उम्र 20 साल है, अच्छा आपकी उम्र जाके पहुंचेगी 50 साल को, आपने अभी वहां उस उम्र तक पहुंचे नहीं और आपका गुनाह पहले ही लिखा जाए, ये कैसे हो सकता है? समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे आपके ऊपर, आपकी उम्र इस वक्त मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल 20 साल है, जी 20 ईयर्स जी है, ठीक है? जी जी अभी आपकी उम्र पहुंचेगी 40 साल 50 साल तक, ठीक है ना? ठीक है, वहां उस उम्र तक आप पहुंचे नहीं हो और आपके गुनाह लिखे गए, ये कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? ये तो खुदा खुदा आप, ये तो इस्लाम में लिखा है कि खुदा ने तुम्हारे पहले से ही बता दिया, उनको पता है कि तुम जन्नत में जाओगे दोजख में जाओगे। चाहे तो कि एक हदीस में ये मेंशन है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि बिल्कुल लल्ला है, छोटा सा, ठीक है, वो पैदा होता है और उसकी नमाज जनाजा में जाते हैं पैगंबर इस्लाम और बीबी आयशा जाती हैं वहाँ पर, और देखते हैं कि बीबी आयशा बोलती हैं कि उनको बोलते हैं ये बच्चा तो जन्नत में एक परिंदा बन जाएगा। ये बात आपने हदीस पढ़ी है कि नहीं? ये हदीस में साबित है, हाँ ये आयशा सही रजी है। अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम ने आपके फरमाया, आपके ठीक है। पैगंबर ने क्या जवाब दिया था आप बताएं ज़रा मुझे, मुझे पता चल जाएगा आपका इल्म माशाल्लाह कि कैसा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था ना कि इन्ना इन्ना मिन तुयूरिल जन्ना, कि ये जन्नत के परिंदे हैं, मतलब है नहीं। नहीं, सर आपको ये हदीस भी नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं आपको बता देता हूँ हदीस ये क्या है। हदीस ये है कि पैगंबर इस्लाम ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता, तुम गलत बात कर रही हो आयशा, तुम्हें नहीं पता, क्या पता ये बच्चा दोजख के लिए बना हो, तुम्हें नहीं पता, ये जवाब दिया हुआ। अगर आपको मैं हदीस से भेज देता हूँ अभी एक सेकंड में, अभी आपको पता चल जाएगा, आपको इस हदीस का इल्म नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं, मैं नहीं, मेरे जहन में वो हदीस आ रही है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब नहीं, जब किसी सहाबी ने पूछा या रसूल ये बच्चे क्या बन जन्नत के अंदर क्या होंगे, कि वहां पर ये फरमाया कि मतलब नहीं बच्चे जो हैं ये यानी गुलाम होंगे, मतलब नहीं वहां पर जन्नत के अंदर, मुझे वो हदीस मेरे जहन में आ रही है। अच्छा, अच्छा अच्छा इस हदीस के ठीक बारे में है, आपको पता है ना जहाँ को बोल रहा हूँ? इस हदीस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं इसी हदीस की आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको अभी भेज भी देता हूँ। ये बेसिकली ये इस बात से ये पता चलता है कि एक छोटा सा लल्ला भी जो होगा ना, उसका भी अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पैदा होने से पहले ही लिखा हुआ है कि ये जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा। तो इंसान जो है ना, एक सिर्फ एक खता का पुतला है, उसका कुछ पता नहीं, चाहे वो कुछ भी करे क्या भी करे, ये टोटल अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा। ये मैं नहीं बोलता, ये इस्लामिक रिसोर्सेज बोलती हैं। तो आपके सामने ये हदीस, और इसमें अंदर साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल बेशक किसी इंसान का नहीं पता, गुनाह करे या ना करे वो अल्लाह की मर्ज़ी है वो जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा। ये अल्लाह ने पैदा करते हुए ही बताया कि ये जन्नत के लिए पैदा हो रहा है, दोजख में पैदा, बल्कि ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने बोला जब तुम अपनी बैकबोन में हो, कमर कमर की जो रीढ़ की हड्डी में से पता होता है मुझे कि जन्नत के लिए पैदा हो रहा है दोजख के लिए पैदा हो रहा है। ये बात सही है कि नहीं है? इसकी भी आपको भेजूँ मैं? इसका प्यारे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता ना कि क्या उसको बोलते हैं, यानी शकीयुन औ सईद, यानी या ये यानी बुरा आदमी होगा या सही आदमी होगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, आप नहीं नहीं जानते हो, नहीं मतलब नहीं, दोजख के ये लिए अल्लाह बनाया रब्बुल या इज्जत जन्नत का के लिए मसला बनाया नहीं है, है ना। ये हम इसको ठीक है, सही है, मैं ये एग्री करते हैं आप? अच्छा ठीक है अच्छा, अभी अभी ये तो बात चले, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे सैटरडे को लेटर ऑन, थोड़ी डिटेल में। ठीक है अभी अभी आप, सही मैं ये समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कुरानिक व्यूज़, जी आप जी मुझे मुझे थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप क्रिएशन के बारे में, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था अभी कल, अभी कल कल ही देख रहा था मैं, मुझे टाइम मिला था आते हुए ड्राइव करते हुए, तो मैंने देख रहा था कि उसमें आपने वो कोई वीडियो में लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर क्रिएशन एरर्स हैं, राइट? जी जी हाँ, जी, तो हम थोड़ा सा क्रिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है ये जो है ठीक ना, है मुझे बताएं कि ज़मीन कितने दिनों में बनी और आसमान कितने दिनों में बने? यार भाई, जमीन जो है 2 दिन में, ज़मीन 2 दिन में बनी है? आसमान जो है 2 दिन में, ठीक अच्छा, आसमान 2 दिन में बना है, है, ज़मीन दो ये दिन में बना टोटल, है, इसका टोटल जो है टोटल 6 दिन है, टोटल 6 दिन, टोटल 6 दिन में बना है,
जमीन 2 दिन में, आसमान 2 दिन में, तो 4 दिन जी हो गए टोटल। मैं आपको बताता हूं कैसे। आसमान की सिर्फ खलकत की है, पूरे का पूरा नहीं बनाया है, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान की खलकत की है 2 दिन के अंदर, फिर जमीन की खलकत की है 2 दिन के अंदर। मैं आपको उर्दू समझते हैं मैं जी 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 मैं, जी 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 बिल्कुल, आप मुझे मदूदी की ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं, मेरे पास यानी उर्दू का मदूदी कुरान भी है, मैंने जी जी अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी फरमाता है बहुत बहुत यूनिवर्सेस हैं कुरान के अंदर, ठीक है ना, किस दिन के अंदर, यानी पहले अल्लाह 2 दिन में आसमान बनाया, ठीक है, सिर्फ उसकी क्रिएटिंग की, अभी प्री सेटिंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी नहीं की, यानी उसको 7 आसमान नहीं बनाए, यानी आसमान क्या था, एक धुआं, एक धुआं क्रिएशन उसकी की है 2 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को क्रिएशन की है, उसके अंदर मतलब नहीं है, पेड़ पौधे दरख्त जानदार चीजें नहीं थी उसमें, ठीक है ना, ये 2 दिन हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन की क्रिएशन करके फिर आसमान की तरफ बढ़ा और उसको 2 दिन में उसको 7 आसमान बना दिए, ये टोटल 6 दिन हो गए, ठीक है ना, ये 6 दिन पूरे हो गए। तो आप ये मतलब कह रहे हैं 2 दिन में जमीन बनी, फिर 2 दिन में उसकी चीजें सेट की हैं, फिर 2 दिन में आसमान बनाया। ना, 2 दिन में आसमान बने, फिर जी जी 2 दिन में जमीन बनी है, लेकिन सही। आसमान को जब बनाया वो सिर्फ एक धुआं था, ये कुरान में जो आ रहा है, जो धुआं था उस, फिर 2 दिन में यानी दो आसमान स्टार्टिंग में 2 दिन आसमान बनाया, 2 दिन में जमीन बनाई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान की तरफ बढ़ा और 2 दिन में उसको पूरे का पूरा 7 आसमान बना दिया। अच्छा, ये सूरह फसीलत में तो उल्टा हिसाब लिखा हुआ है, सूरह फसीलत की आयत नंबर 8 में मैं लिखा हुआ है अभी कि 2 दिन में बिल्कुल जमीन बिल्कुल आप बनी, 4 दिन में जमीन की चीजें लगाई गई जो कि 6 दिन हो गए, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सुम, बिल्कुल लिखा हुआ है पॉइंट सुम का इस मतलब, तो सुम अरबी का, सुम जो होता है अरबी का बिल्कुल उसका मतलब है फिर, तो फिर उसके बाद आसमान की तरफ बढ़े जो कि वहां पर धुआं था, तो उससे पहले तो आसमान की तरफ तो बिल्कुल बने ही बिल्कुल गए ही बिल्कुल नहीं। और ये तो एक और, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं क्रिएशन की, तो वो एक दूसरी आयत है जहाँ पर ज़मीन पहले बन रही है और आसमान बाद में बन रहा है, फिर आसमान बाद में बन रहा है, फिर ज़मीन पहले बन रही है। बट मैं, मेरा ये वो टॉपिक नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने दिन में बना। सही 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 सही। ये जो आप हदीस बता रहे हैं इसका चैप्टर नंबर कौन हदीस सा, ये नहीं जरा है, बताना मुझे। हदीस नहीं है, कुरान की आयत है, सूरह फसीलत, सॉरी कुरान क्या है, कुरान क्या है, हाँ सूरह फसीलत फसीलत ये इसकी चैप्टर, आयत नंबर 8 देख लें। फसीलत में ये नंबर नहीं मिल रहा मुझे, सूरह फसीलत 41 होती सर। 41, अच्छा, ठीक है ठीक है, 41 वर्स नंबर, वर्सेस 8। ठीक है, ये 8 नहीं है, पता हूँ ना, एट तुम से, मतलब एट से इसका स्टार्ट हो नहीं रही है रहा। बेसिकली ना, एट से स्टार्ट हो रही है, वैसे तो 11 है बट अगर आप 8 से पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बोलें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ये कुछ भी, यू नो, ठीक है। अच्छा, पढ़ यहाँ के पर बता दें अल्लाह उर्दू रब्बुल में। इज्जत बिल्कुल, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वजह फी हर वासियम इन लदीन आमनु व अमलु सालिहात लहुम अजरुन गैर, लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए, अच्छा ठीक है ना, قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا, زمین ارض, ارض کہتے ہیں زمین کو, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو زمین کو بنایا وہ دو دن میں بنایا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. پر ابھی ورس نمبر 10 کے اندر جو آتا ہے وجعل تبارك الذي قدر في اقواتها في 4 ایام سواء للسائلين, प्यारे भाई जो यानी रब्बुल इज्जत ने 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ जमीन को कैरिएट किया, अभी उसके अंदर कुछ बनाया नहीं है, ठीक है ना। आगे वर्स नंबर 10 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअल फीहा रवासिया, और उसके अंदर रस्ते बना दिए ताकि पानी के जब पानी बरसे तो उसमें रस्ते बने, वबारक फीहा उसके अंदर बरकत डाल दी, वकद्दर फीहा अक़वातहा और उसके और उसकी मतलब यानी अक़वातहा
कि जमीन मतलब नहीं ता के बीज को कबूल कर ले, फी अरबाती अय सवा लिसाइलिन के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है टोटली, यानी सवा ये 4 दिन टोटल हुए, यानी दो दिन लगे लेकिन उसकी सिंग में 2 दिन और लग गए, ये टोटल 4 दिन हो गए, ठीक है टोटल हो गए। तो यहां पर फिर उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत माई वही दुकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत नंबर 11 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर आसमान की तरफ बढ़ा, वो एक धुआं था। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर, हेलो यहाँ पर, जी जी आवाज आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर आसमान नहीं बना होता, राइट? आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया, 2 दिन में क्रिएट किया, सिर्फ क्रिएट किया वो, और वो मतलब यानी क्या उसको बोलते हैं, यानी अल्लाह अकबर, यानी और वो धुआं थे, 7 आसमान नहीं थे, वो सिर्फ एक धुआं था आसमान, ठीक है ना। वहां पर इसकी ट्रांसलेशन ये आ रही है कि 2 दिन में जमीन को कैरिएट किया, फिर 2 दिन और लगे, और ये यानी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको यानी सेटिंग की, उसके अंदर मतलब यानी रास्ते बनाए और सारा कुछ ताकि पानी के लिए जाए, और ये टोटल 4 दिन हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या यानी क्या जब बड़ा अब तो वो यानी सुम्मा सवा इला समाई वही दुकान, फिर आसमान की तरफ बढ़ा और फरमाया और आसमान को भी फरमाया कि क्या तुम मेरी फरमा बरदारी में गामजन होगे या मेरी नाफरमानी में। तो ने फरमाया, दोनों ने फरमाया हम लोग आपकी फरमा बरदारी में हम लोग गामजन होंगे। आगे अल्लाह रब्बुल वर्स नंबर 12 के अंदर क्या फरमाता है, फकबाहुन सब्अ समावातन फी यौमैन, ठीक है ना, ये 4 दिन तो लग गए मतलब जमीन के और 2 दिन लग, वअوحى في كل سماء امرها, यानी सॉरी यहाँ से मेरे 4 दिन लगे जमीन बनाने में और 2 दिन लगे आसमान, तो 4 दिन जमीन बनाने में लग गए टोटल, राइट? 7 दिन बने, 4 दिन जमीन में और क्या उसको बोलते हैं क्या उसको यार 4 दिन और दो दिन आसमान में लगे, बिल्कुल। हाँ देखो आपको मैं ये बताता हूँ, ये काफी मतलब सवाल करते हैं, चले चले चले, मैं आपकी इस बात से, चले मैं आपकी इस बात को मैं फिलहाल मैं लेता हूँ, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये एक शॉर्टकट में आपको इक्वल बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। चले मैं आपकी एक्सप्लेनेशन, एक मिनट प्यारे दोस्त मेरी बात सुने, देखिए आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैं समझ नहीं पा रहा, बट फिर भी मैं बोलता चले ठीक है, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन को मान भी लेता, मगर एक आपसे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन जो है ना वो किसी ने दी हुई है, तो मैं समझता हूँ वो सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, जो कि आपके खुद के पैगम्बर हैं, पैगम्बर इस्लाम ने बताया हुआ है कि किस तरह से प्रोसेस हुआ है, तो उस बात को तो आप एग्री करेंगे, वो तो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी मेरा ख्याल आपके लिए, ये बात सही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर पैगम्बर इस्लाम जो है वो आपको बताएंगे तो उस बात पे तो आप डेफिनेटली आप कायम होंगे, आप बोलेंगे कि ये डेफिनेटली बात बिल्कुल ऑथेंटिकली प्रूव है कि ये जो है इस बात से आप ये एग्री करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है, राइट? तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन में आपको भेज रहा हूँ, एक मिनट में टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने आपको हदीस भेजी, ठीक है, सही मुस्लिम 167। ठीक है, okay. इसको पढ़ के बताएं ये क्या एक्सप्लेनेशन है, एक मिनट जरा, सही मुस्लिम की हदीस है ना ये? जी 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 सही हदीस है बिल्कुल, जी जी एक मिनट मैं ये अपनी बुक खोल दूं, मैं ये बुक नहीं आपके सामने, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये सऊदी अरब की वेबसाइट है, अच्छा, आप बोलते हैं मैं sunna.com से भी, sunna.com को तो पता ही होगा आपको, पास वहाँ उर्दू ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, sunna.com भेज दूं आपको? नहीं ये अरबी में, एक मिनट मुझे जरा पढ़ लूं मैं, नंबर 6707, एक मिनट, ठीक
07 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
ये ना आपको sunna.com से भी भेज दिए। अच्छा, इस हदीस के हवाले से आप बात करें। जी 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 अच्छा, एक्सप्लेन करें भाई। एक मिनट। अच्छा, ये अरबी में आ गई, ठीक है। حدثني خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق النجوم يوم الثلاث وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر السنة من ساعة الجمعة في يوم بين العصر إلى الليل. أتشا ٹھیک ہے. अच्छा, ये इसके अंदर क्या है? दिन दिखे हुए, कितने दिनों में जमीन बनी, कितने दिन में आसमान बनाया। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, शायद आपको आपको शायद वो हो नहीं रहा, शायद आयत नहीं मिल रही या हदीस नहीं। ये अरबी में पढ़ लिया मैंने, अरबी में पढ़ लिया मैंने। अच्छा, तो ये जो मेरे पास ट्रांसलेशन है जो आपको भेजी, इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये सही सही मुस्लिम की बुक है और इसके अंदर हदीस नंबर है 6707। इसमें लिखा हुआ है, अबू हुरैरा रिपीटेड दैट अल्लाह मैसेंजर मे पीस बी अपॉन हिम टुक होल्ड ऑफ माई हैंड्स एंड सेड Allah the exalted and glorious created the clay on Saturday, ठीक है, ये clay बन रही है, and he created the mountains on Sunday, and he created the second, and he created the mountains on Sunday, and he created the trees on Monday, and he created the things entitled labor on Tuesday, created light on Wednesday, and lie caused the animals to spread on Thursday, and created Adam peace be upon him on Friday. After I, sir. तो ये इस हदीस को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे मुझे? एक मिनट।